तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल क्वेरी या एसक्यूएल सर्वर कह सकते हैं उसके बारे में। और हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं जो कि इन्होंने एसक्यूएल की कोर्स के लिए एनरोल किया है। तो राजेश जी, सबसे पहले हमने आपको अभी तक जो समझाया कि एसक्यूएल सर्वर क्या होता है, उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और डेटा को स्टोर कहाँ करते हैं, तो एसक्यूएल के बारे में समझाया कि एसक्यूएल एक डेटाबेस स्टोरेज पॉइंट है जहां से हम डेटा को स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो डेटा स्टोर होता है वो अलग अलग इंटरफेस सॉफ्टवेयर से होता है, जैसे कि आपका .NET होता है या फिर आपको .NET से चलने वाली वेबसाइट्स होते हैं, तो उनकी उनकी मदद से डेटा को स्टोर किया जाता है और मोस्टली ये ऑनलाइन ही होता है सारा, राइट? लेकिन एसक्यूएल क्वेरी, क्योंकि हमारे कोर्स पूरी .NET वगैरह की नहीं है, हम आपने बता रहे हैं कि अगर आपको एनालिसिस करनी है और एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, राइट सर? डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, और डेटा को एक्सट्रैक्ट कहां करना है, एक्सेल फॉर्मेट में लाना है हमें ताकि उसका हम एनालिसिस कर सके। तो सर आप बोलेंगे इसकी कौन सी बड़ी बात है, हम यहाँ पे जाएंगे और एक्सेल में जाएंगे और यहाँ डेटा में From SQL से हम इसको कर लेंगे, अदर सोर्सेज में फ्रॉम SQL क्यूरी सिग्नेचर जरूरत। अब यही पे बात इंपॉर्टेंट आती है। बेसिकली आपका SQL सर्वर यूज करने वाला जो डेटाबेस होगा वो क्या क्या 5 और 10 लाख का डेटा होगा, वो करोड़ों का डेटा होगा। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि एक अब मान लीजिए कि डेटा आपने लिया और डेटा एक पूरी की पूरी टेबल को अगर आप चाहते हैं कि इंपोर्ट करना, तो टेबल पे पड़े हुए हैं मान लीजिए, नहीं करोड़ नहीं पड़ा हुआ, मान लीजिए कि 12 लाख डेटा पड़ा हुआ, बट 12 लाख की कैपेसिटी एक्सेल में तो नहीं है, तो उस केस में क्या है? अब बात आती है कि जो हम एनालिसिस करेंगे वो एक प्रोडक्ट या एक सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास पूरे इंडिया का डेटा है लेकिन मुझे रिपोर्ट बनाना है दिल्ली का। अब दिल्ली की रिपोर्ट बनाने के लिए पूरे इंडिया का डेटा को लेकर आना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ दिल्ली का डेटा चाहिए ना, क्योंकि पूरी इंडिया का डेटा तो एक्सेल पे ला भी नहीं सकते क्योंकि उसकी लिमिट काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा क्वांटिटी, और एक्सेल की लिमिट हमारी कम है। तो उस केस में हम SQL सर्वर में हम क्यूरी क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं बात करूं कि मेरे पास एक डेटा जो आपके सामने जो डेटा में डाला था, अपलोड किया था यू डेटा पे, मान लीजिए अब यू डेटा पे टेबल्स पे हम जाते हैं और टेबल्स में हमारे पास डेटा है, राइट? इसी डेटा को तो हम राइट क्लिक करके हम इसको डेटा देखना होता है तो फ्रॉम सिलेक्ट टॉप 1000 कर लेते हैं, आ जाता है। लेकिन ये तो प्री डिफाइंड क्यूरी हुआ। अब इसमें मैं अपनी खुद की क्यूरी बताऊं कि मुझे खुद की क्यूरी चाहिए तो क्या करेंगे, उसके लिए क्यूरी लिखेंगे ना, क्या जैसे यहाँ पे देखिए आ गया पूजा दलित का मैं नाम लिखा था ना सैलरी यहाँ पे, तो ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ना क्यूरी, ऑटोमेटिक क्यूरी लिखा जा रहा है। तो एसक्यूएल सर्वर में आप देख रहे हैं यहाँ पर सिलेक्ट क्यूरी लगा होगा, तो एसक्यूएल क्यूरी में बेसिकली 4 मेन क्यूरी है। सिलेक्ट क्यूरी मतलब कि डेटा अगर आपको लेना है, जैसे मान लीजिए ना कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट मार्क करता हूँ, मैं न्यू क्यूरी पे क्लिक करता हूँ, खुद से क्यूरी लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फॉर्म। अब इसमें क्या है, मेरे पास कई सारे टेबल्स हैं तो मुझे टेबल देना पड़ेगा, नहीं मुझे सैलरी से देना है ना, सैलरी समझ गए, माफ कीजिएगा हमारे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया फ्रॉम में, ठीक है।
अब इस क्वेरी को मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा अब तो क्या होगा कि इसके पूरे डेटा हमें दे, हमने यहाँ पे स्टार लगाया, तो जब डेटा आपको लेना है, डेटा हमें अगर लेना है तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब कि फिल्टर समझिए ना कि अगर आपको फिल्टर लगाना है डेटाबेस में तो वी हैव यूज्ड द सेलेक्ट क्यूरी, ओके ओके। और दूसरा कि अगर मान लीजिए मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है क्यूरी के माध्यम से, तो हम इंसर्ट क्यूरी लगाएंगे, ओके। किसी डेटा को अपडेट करना है, जैसे मान लीजिए उदय की सैलरी 50,000 है, तो मैंने जहां जहां उदय है वो 50,000 नहीं 65,000 हो जाए, समझ गए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम वहां पे अपडेट क्यूरी लगाएंगे। और तीसरा क्यूरी आपका तो तीसरा था अपडेट था, और चौथा होता है डिलीट क्यूरी, ठीक है। अब डिलीट क्यूरी क्या होता है, किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो मेमोरी स्टार क्यूरी होता है, तो इंसर्ट क्यूरी जो होता है वो उसको हम अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि आप एक एक्सेल फॉर्म बना रहे हैं, एक्सेल फॉर्म पे जैसे डबल क्लिक करें आपका डेटा क्यूरी है इंसर्ट हो जाए इसमें, ओके। उसमें इंसर्ट क्यूरी लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब इस क्यूरी को, इस डेटा को हमने लेके आना, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इसमें का डेटा है, तो मुझे इसका अप्रैल का डेटा चाहिए, किसका डेटा चाहिए, अप्रैल का चाहिए, तो यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। देखिए वेयर, मैं इसको समझा रहा हूँ कि आगे यूज कैसे होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आगे क्या यूज है, इसको यूज कैसे। ठीक है, ठीक है। मंथ इक्वल टू, अब इसको हमने एक बार इसको देखा, सॉरी यहाँ पे डबल में थोड़ा बीवीए में जब लगाते हैं तब देते हैं, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अप्रैल का डेटा आ गया। अब इस डेटा को मुझे एक्सपोर्ट करना है एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करना है, समझ गए इस क्यूरी को, सिर्फ इतना ही डेटा। हाँ, तो इतना ही डेटा आएगा, पूरा डेटा नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही डेटा आएगा अगर एसक्यूएल के अंदर में हम क्वेरी कमांड लिखते हैं। तो इसके लिए फिर हमें एसक्यूएल की फाइल बनाने पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल सर्वर आपका एक्सेल का फाइल नहीं बनाता, ओके। तो एक्सेल की फाइल बना के फिर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट क्वेरी जो होती है इसकी, वो एक्सपोर्ट क्वेरी हम यहाँ चलाएंगे, तब जाके हमें यहाँ पे समझ में आ गया कैसे इसका इस्तेमाल। तो क्यूरी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यूरी समझना, क्यूरी को हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और जैसे कि क्यूरी की बात करें तो एसक्यूएल जो है कॉमन क्यूरी है, क्योंकि आपका ओरेकल का जो पीएल एसक्यूएल होता है उसमें यूज होता है, एसक्यूएल सर्वर में यूज होता है, माई एसक्यूएल में यूज होता है, आपका पोस्टग्रेस एसक्यूएल उसमें यूज होता है, और एसक्यूएल लाइट में यूज होता है। लेकिन लिखने का थोड़ा बहुत तरीका चेंज हो जाता है सब में, जैसे कहीं पे देखिए कहीं पे सिंगल लोक कोड लगता है, कहीं पे डबल कोड लगता है, तो ये आपका अलग अलग होता है, ओके। समझे, और आप बार बार क्यूरी नहीं लिखना चाहते हैं तो उस क्यूरी को आप सेव भी कर सकते हैं, तो
तो इंडिविजुअल में आपका क्यूरी उसी तरह से होगा, सिलेक्ट उसी तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको क्लोज करेंगे आपसे पूछेगा सेव, हम बोले यार सेव, और सेव को एक लोकेशन में करना है, कहाँ करना है, एक लोकेशन में। यहाँ पे देखा एक क्यूरी ऑलरेडी मैंने सेव करता है गेट एस डेटा, हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब हम उस क्यूरी को, उस क्यूरी को ओपन कर सकते हैं, दिख रहा है आपको ओपन, ये रहा हमारा क्यूरी थ्री, हम इसको ओपन करेंगे और फिर इसको एक्सक्यूट करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, समझ गए। तो हर बार इसको इस्तेमाल करने की, मतलब कि इसको एक करने की जरूरत नहीं है। ओके देखिए क्या है, रिजल्ट इन द टेक्स्ट कंट्रोल टी, यहाँ पे हम करते हैं रिजल्ट इन द ग्रीड, ये यहाँ पे इसकी आती है ग्रीड, ऑलरेडी ग्रीड है ही, और टेक्स्ट कर देते हैं तो फिर ग्रीड हट जाता है। ओके तो इसको लगाने से पहले इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है ग्रीड कर दिया, और फिर इसको हम स्कूट करते हैं तब रिजल्ट आता है। अगर हमने इसको इसको सिलेक्ट किया और फिर स्कूट करते हैं रिजल्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में आया, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे क्लिक कर दिया रिजल्ट इन द फाइल, और फिर मैंने इसको एक्सक्यूट किया तो फिर फाइल में आता है। आरपीटी फाइल जो होती है वो आरपीटी फाइल में आपका सेव होगा जहां आप सिलेक्ट करना चाहे रिजल्ट को। ओके ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट में जाऊं तो मुझे आरपीटी फाइल दिखेगा जो हमारा सेव हुआ है फाइल। फाइल आपका ओपन नहीं होगा क्योंकि इसको ओपन करने के लिए ऐप चाहिए। अगर आप इसको मान लीजिए मैंने इसको नोटपैड सेलेक्ट करके ओपन कर दिया तो फिर वो नोटपैड में थी ओपन नहीं होता है, हाँ नोटपैड में ओपन हो जाता है। अब इसको आप जो है इस नोटपैड वाली फाइल आरपीटी वाली फाइल को आप जो है एक्सेल में इजिली इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट फ्रॉम टेक्स्ट, आई थिंक टेक्स्ट में दिखेगा आरपीटी, नहीं टेक्स्ट में आरपीटी नहीं दिखेगा, ऑल फाइल पे आते हैं। अब आता है कि आपका डिलिमिटेड हमने इसको कर दिया, और टैब से नहीं है, स्पेस से भी नहीं है। अब इसका कॉलन जो है, कॉलन को देखना पड़ेगा किस कॉलन से ये होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट फॉर्मेट में फाइल में किया है। हाँ हो गया ना, ये हमने इसको स्पेस कर दिया। देखिए स्पेस में दिक्कत ये हुआ कि आपका स्पेस की बिहाव से मैच हो गया, तो इसको अलग करने के लिए हमें, या फिर ये भी कर सकते ना, इसमें 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 इसको ऐसा इस तरह से बना हुआ है कि हम इसको फिक्स में भी जाके कर सकते हैं फिक्स, और हम देख रहे हैं फिक्स कर दिया हमने, एक बार इसको हटा देता हूँ, इसको ठीक है सर, इस तरह से बनाया गया है कि आपका अलग हो गया, आ गया त्रिपुर फॉर्मेट में आ जाता है। देखिए स्पेसिफिक में एडिट करने के लिए फिर वो हम इसको जरूरी नहीं कि हम इसको इस तरह से ही करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट क्वेरी भी लिख देंगे ना कि भाई ये फलाने एक्सेल फाइल में जाओ और सारे रो को एडिट कर दो, तो वो आपका एडिट कर देता है। तो क्यूरी कमांड हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं। अब इसमें इंसर्ट क्यूरी चलाना है, मान लीजिए कि आप किसी एक्सेल वाली फाइल का डेटा, ऐसा हम उसको लोड तो करते ही है, लेकिन एक्सेल के डेटा को आपको लोड करना है डेली बेसिस पे, लोड करना है अपडेट अपडेट, इंसर्ट क्यूरी चलाना है कि नीचे 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 ऐड करना है, तो बटन पे क्लिक कीजिए ऐड हो जाए।
या फिर आपको टेबल बना के फिर उसके अंदर ऐड करना है तो टेबल वाली क्यूरी को टेबल बनाने की क्यूरी चलाएंगे फिर उस पर कर देंगे, या फिर कोई डेटाबेस बना के रन करना है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक फोल्डर है और उस फोल्डर में 500 फाइल, उस 500 फाइलों को आपको उन 500 फाइलों को इसमें लोड करना है। Okay. तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक क्यूरी कमांड लूपिंग के अंदर में डालेंगे कि ऑलरेडी और एक फोल्डर में 500 फाइलों के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेगा और 500 टेबल क्रिएट करेगा, वन बाय वन सारे टेबल में डेटा को इंपोर्ट करेगा। Okay. ये हम एक्सेल में भी कर सकते हैं या एसक्यूएल की मदद लेके हम इसमें क्या बोलते हैं VBA भी कर सकते हैं। Okay. Right? Right. तो ये प्रोग्रामिंग तो आपको आती होगी ना? हाँ, तो हम कल से आपके साथ इसी चीज पे डिस्कस करेंगे। तब तक अब तो समझ में आ गया ना क्यूरी क्या होता है, तो आप सिलेक्ट क्यूरी को एक बार से पढ़ लीजिए। कल से हम स्टार्ट करेंगे कि हम पहले डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, फिर हम टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, फिर हम टेबल की डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे या फिर या फिर इंपोर्ट कैसे करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम आपको। तो सर इसमें मतलब इसमें एक्सेल की फाइल भी इंपोर्ट हो जाएगी एसक्यूएल में, जैसे एक्सेल। ओके ठीक है, ठीक है, अगली क्लास में हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक।